वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्राउन डॉटर। आई एम जानवी तिवारी एंड आज हम जा रहे हैं जोधपुर। सो यहाँ पे है मम्मा। हेलो मम्मा। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। और वहाँ पे दीदी है जो टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रही है। सो लेट्स गो, इट इज गोइंग टू बी सुपर फन। और मेरे को फ्री का सब कुछ मिलने वाला है। सो यू ऑल नो इट्स जस्ट फन। सबसे ज्यादा खुशी तो वही मिलती है। ड्रोन उसकी बैटरी हमें निकालनी होंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दीदी स्पॉन्सर की ट्रिप मिल रही है मेरे को, तो मैं तो मस्त मैडम जी की सेवा करूंगी। मैडम क्या चाहिए? मैडम सुबह करती है नहीं काम होते हैं। ये इतना मेरे से सेवा करवाती है, ये कहीं ऑर्डर नहीं देती, कोई काम। लैंड कर चुके हैं और दिल्ली में फर्स्ट फ्लाइट डन। अभी हमें जाना है टर्मिनल 1 के डिपार्चर पे। यस, जब मैं इंडियन पहनती हूँ ना तो मेरा मन करता है जान भी सारे कपड़े छोड़ इंडियन ही पहनना चालू कर। फॉर नो रीजन वी आर एट स्वरूप की एंड दीदी इज चेकिंग आउट हर इयररिंग। इतना सारा टाइम है, इतना सुंदर सुंदर इयररिंग। ये देख, सो प्रिटी। यू नेवर नो व्हेन माय सिस्टर डज विंडो शॉपिंग एंड चेंजेस टू एक्चुअल शॉपिंग। यार आई कांट वेयर रियल गोल्ड, तो आई नीड टू सर्वाइव ऑन। तो दीदी काफी टाइम से देख रही है बट यू नेवर नो वो कब ले आई। आंटी जी रिंग ट्राई करते हुए। गाइस मैं अच्छे दोनों ने शॉपिंग की है। खुद का इतना मन है जानवी इज दिस क्लोज टू गेट अ ब्रेसलेट। वी हैव गॉट दिस वन। व्हाट्स द नेम फॉर दिस? दिस इज अ क्लासिक जॉन पॉल गॉटियर। एंड दिस वन? दिस इज ट्रूसाड़ी। ट्रूसाड़ी दिस इज एक्चुअली माय सेंट। ठीक है, आप जानवी बताइए व्हाट इज दिस परफ्यूम्स नेम? पॉल दे आई अगेन फॉरगॉट जॉन पॉल गॉटियर। वाओ, जॉन पॉल गॉटियर, आई रिमेम्बर नाउ। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ने से पहले आई क्विकली वांट टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन लविंग एंड आई कुडंट शो इन जोधपुर क्योंकि हम काफी ज्यादा रश में थे। सो आई हैव बीन लविंग वन फेस वॉश। सो आई ऑलवेज मेक श्योर मैं मेकअप करने से पहले अच्छे से मेरे हैंड्स क्लीन कर लूं एंड मैं मेरा अच्छे से फेस वॉश कर लूं। सो फॉर द फेस वॉश आई हैव बीन यूजिंग दिस इज एम कैफीन का कॉफी फेस वॉश। दिस वर्क्स रियली वेल फॉर माई ड्राई स्किन एंड इसकी प्राइस स्टार्ट होती है ₹229 से। एंड मैं ना एम कैफीन के प्रोडक्ट्स काफी टाइम से यूज करती आ रही हूँ एंड आई रियली लाइक देम। सो हाउ कॉफी गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी एंड फ्रेशनेस, सिमिलरली कॉफी फेस वॉश गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी एंड ग्लो। दिस इज मेड अप ऑफ प्योर अराबिका कॉफी। ये स्किन को डीप क्लेंस करता है, रिमूव्स एक्सेस ऑयल एंड डर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस हाइड्रेट्स माई स्किन एंड गिव्स अ फ्रेश ग्लोइंग स्किन। So that's how my face looks like after doing the face wash. My skin feels super soft, fresh and glowy. And the best part is this is made for all the skin types out there. And मुझे ना मेरे skin में result दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा active acne थे, now my acne are going, जो marks हैं वो भी fade हो रहे हैं and this helps in even skin tone as well. So I would highly recommend this product. The link is in the description box. Do check it out. And here's the coupon code. Use this code to get some really good discount and yeah, now let's go back to Jodhpur and let's continue the vlog. How much South Indian food is too much South Indian food? Yeah, because मैं ना जल्दी जल्दी में खानी पाई थी सूरत में, तो मेरा मन था वहाँ। मेरी तो जी भी चल गई जल्दी जल्दी वो कड़क खाना। मम्मी ऐसे कैसे? Thank you so much. We have the samosa chaat. हाय हाय हाय, ये तो इनसे सांभर मैं बना लूँ। सामर के नाम पे लाल पानी बेच रहे हैं। मैंने अभी रियलाइज किया कि आप अपने नए फ्री वाले चश्मे लगा के घूम रहे हो। वाले चश्मे का ऐसा नहीं बोलते सबके सामने। मेरे को ना फ्री के चश्मे मिल रहे थे। हाँ, एक ब्रांड दे रही थी तो उससे एक दिन पहले हम गए, हमने पूछा मम्मी पापा से, मम्मी पापा कुछ चश्मे लेने हम दिलवा देते हैं। दोनों ने ना बोले। जैसे ही पता चला कि फ्री में आ रहे हैं, मेरे पापा दुकान बंद करके आए। मेरे पापा
दुकान बंद करके आए, विच इज अ बिग थिंग, कोई भी पेरेंट्स का। उस दिन पता है दोनों को चश्मे चाहिए, अब दोनों बोल रहे हैं दोनों को चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं भी स्मार्ट, मुझे पता है दोनों को चश्मे चाहिए, तो मैंने बोला कि एक जन का मैं पैसे दे दूंगी। ऐसा मैंने सोचा, मैं दोनों को बोल के एक चलो फ्री में मिले, बट फिर दोनों ही फ्री में दे दिए उन्होंने। और ये दोनों स्पेशल ओकेजन पे ही वो कैरी करते हैं। वो जो खाना था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हम आ गए हैं स्टारबक्स, आई हैव गॉट सम हॉट चॉकलेट एंड इट फील्स गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मम्मी ने तो शॉल भी ओढ़ ली है, ये देखो है ना, ठंडी है यहाँ पे। मेरे को भी चाहिए लिपस्टिक, ये देखिए इन्होंने भी अप्लाई कर ली है। व्हाट इज दैट फेस, नो फोटोज, चलो लग गए दाग, बधाई हो मेरी फोटो भी के ऊपर। हाँ, और मैं कपड़े तो सब व्हाइट, मेरी फुल व्हाइट पहना है, मुझे मेरा आउटफिट बहुत कूल लग रहा है। हाँ, जो मेरी फोटो ले देना, मैं दाग लगाऊ उससे पहले ले देना। यार क्या करूँगा मम्मी, इसके दाग निकल जाएंगे? दाग अच्छे हैं, नहीं निकलेंगे मम्मी। यार नहीं, आप आती रखिए, मैं थक गई। मम्मी ने पहली बार हॉट चॉकलेट ट्राई किया, मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मम्मी उसकी कॉफी कैसी होती है? एकदम कड़वी, वो जैसे नहीं जल जाती है। अब आप स्टारबक्स में आके हॉट चॉकलेट, एक तो स्टारबक्स को स्टारबक्स कर दिया है मम्मी ने। क्या है मम्मी? स्टारबक्स। मम्मी इज अ क्यूटी एंड शी इज फाइन। बड़ी अपने आप में आज अपने आप को इतना करीना कपूर समझ रही है कि मैं क्या बताऊं। बहुत ड्रामेबाज थी दीदी, बहुत ज्यादा। मैं छोटी होके जब बड़ी बहन के लिए कह सकती हूँ कि मैंने इसके ड्रामे देखे हैं, मत पूछ, वो मैंने झेले। एंड हम सब बैठ चुके हैं हमारी सेकेंड फ्लाइट में। हेलो, हम आ गए हैं हमारे रूम के अंदर एंड रूम इज ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज लगी वॉशरूम, आई रियली लाइक इट, लुक एट दिस, मतलब नाइस, आई लव द होल थिंग। अभी हम निकलेंगे तो हम बस अब थोड़ी देर में तैयार होंगे और वी विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्लू सिटी। एंड हम सब मस्त तैयार हो गए, इट फील्स गुड। आप एक बार मेकअप निकाल के मस्त स्मूथ धुल के तैयार हो तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ गई है हमारे अंदर। एंड अभी हम जा रहे हैं टूर जी का झालरा देखने। सो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, 18th सेंचुरी में बना था, सो इट्स क्वाइट ओल्ड, सो लेट्स गो। We are here at Turji ki Jhalar. So, ये ना हमारे होटल से एंट्री मिल जाती है आपको यहाँ की। एंड बच्चे ना वहाँ से डाइव मार रहे हैं नीचे, क्रेजी है ना, वेरी क्रेजी। आफ्टर Turji ka Jhalar वी आर हेडिंग टू अ कैफे, क्योंकि लंच नहीं किया और बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम जा रहे हैं स्टेपवेल कैफे। हेलो गाइस, हमारा खाना आ चुका है। भूरी बेटी के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं अभी, क्योंकि हमें इतनी जोर की भूख है, सुबह से अच्छा खाना ही नहीं मिला था। आपने बहुत खाने का, पर अच्छा कुछ नहीं मिला हमें। ओनली गुड थिंग दैट आई हैड टुडे इज हॉट चॉकलेट। यस, नाउ वी आर हेडिंग टू सम मार्केट आई गेस, लेट्स सी हाउ दैट गोस। बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, सो मेरी एनर्जी काफी लो गई थी, बट लेट्स गो। जान भी कुछ बोला भी नहीं जा रहा है ना, मैंने कहा ब्लॉग कर ले, बोले मम्मी ताकत नहीं है, बट नाउ आई फील एनर्जेटिक। वेलकम टू जोधपुर, इट इज द नेक्स्ट डे। तो कल रात में ना मैं बाथटब के अंदर गई थी एंड मैंने हॉट चॉकलेट पिया था, इट वॉज फन। बट अभी हम मस्त तैयार हो चुके हैं, आई एम वेयरिंग दिस रियली क्यूट आउटफिट जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया है। नाउ वी आर गोइंग टू हेड टू हैव ब्रेकफास्ट, सो लेट्स गो। वाओ, दिस प्रॉपर्टी इज रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमारा बहुत सारा खाना आ चुका है, फूड प्लेटर जो बहुत ज्यादा फैंसी लग रहा है इसके लिए हम खा रहे हैं। मम्मी आप क्या कर रहे हो?
पूरी सब्जी और मैंने मंगवाई है वो रहा मसाला उत्पम एंड वी आल्सो हैव पैनकेक और यहाँ पे चल रहा है शूट और मेरे आजू बाजू दो इतनी क्यूट बिल्लियाँ हैं ना जो मुझे भाव भी दे रही है सो मेरे को बहुत मजा आ रही है वो देखो ये हमारे पाँव में ऐसे खेल रही है ये देखो हाउ क्यूट और एक और है वो देखो कैजुअली चिलिंग और हम निकल पड़े हैं हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट एंड वी आर एट दिस फोर्ट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंकफुली अभी रश भी कम है क्योंकि यहाँ का पीक पीरियड विंटर होता है सो गुड और इसने मेरे चश्मे चोरी कर लिया गाइस मैं कुछ दिख नहीं रहा और मैं ऐसे व्लॉग कर रही हूँ मम्मी किसके चश्मे है ये जानू के देखो आपका मम्मी का तो पता ही है मम्मी वैसे भी जानवी की जहाँ आप फालतू की बात करती बोल मॉम प्रॉमिस किसके आपने नए झुमके पहन लिए तो आप होशियार है ये बात पलट रही है बोल मॉम प्रॉमिस ऐसे छोटी छोटी बातों पे मॉम प्रॉमिस नहीं करती लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर अब ना सब आते हैं हमारे पास हमने ना आंटी को देख लिया और हम आ गए हमने आंटी को देख लिया आंटी हमारा लैंडमार्क बन गई है गाइस लुक एट दिस कितना ह्यूज गेट है ये और ये वो है जिसमें से लोग ऐसे ही जा सकते थे ना मम्मी इज ऑब्जर्विंग दिस एंड मम्मी ने बताया क्या कह रहे हो मम्मी राजा महाराजा क्या क्या करते थे तोपे भी चलाते थे अलग अलग लाइक अलग ही सिटी है राजा महाराजाओं की ऊपर टॉप पे बना रखी है सुनते हैं कि ये राजा ये इनका राजा जहाँ जहाँ राजस्थान जगह हो वहाँ सब राजाओं की सिटी है नॉर्मल इंसान और वहाँ पे देखने के लिए राजाओं का हाँ, राजाओं पैलेस का, है हाँ, ये है यहाँ रानियाँ रहा करती थी हाँ, बहुत अलग ही इनकी वाइब और अलग और रियल में अलग है बिल्कुल बहुत सुंदर है दिखता भी राजाओं जैसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है अलग ही जगह आ चुकी है यहाँ पे आके सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज और हर जगह से इतने सुंदर सुंदर व्यू होते हैं बताओ Look how beautiful and huge this property is. Wow. Guys, ये देखो ये रानियों की पालकी है एंड दे हैव अ नेट काइंड ऑफ अ थिंग विंडो जैसा जिसमें से वो देख सकती है बट आपको नहीं दिखेगा से ना पूरी सिटी दिख रही है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल और ब्लू दिख रही है यहाँ से सिटी बिकॉज दिस इज कॉल्ड ब्लू सिटी एंड फोर्ट के बाद हम आ चुके हैं थोड़ी लस्सी पीने क्योंकि गर्मी काफी है यहाँ पे सो नाइस इट्स एक्चुअली नाइस हम लस्सी पी रहे हैं और थोड़ी सी बची है जो जितनी थी वो मैंने पूरी मेरे ऊपर गिरा ली है क्योंकि ना मक्खी बैठ रही थी और मैं मक्खी को ऐसे ऐसे कर रही थी तो स्ट्रॉ मेरे हाथ में लग गया और पूरी लस्सी मेरे ऊपर गिर गई मैं गिराती रहती और मुझे बहुत गिल्टी होती है अब होता रहता है और थोड़ा सा जाओ तो लोगों को याद रहना अच्छे ना ये लड़की आई थी इसने फैलाया था जाओ तो फिर अगली बार ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम और फोटो डाल देंगे ये नमस्ते कभी मत आइयो मैंने बाली में गिराया अब मैंने यहाँ गिराया घर पे गिराते ही रहते मम्मी घर पे तो नहीं गिराती ये तो झूठ है गिराएंगे तब बताएंगे ठीक है एंड वी आर हियर एट जसवंथार और यहाँ पे बहुत मस्त इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और मैं भाई मेरी खराब कुर्ती में आ गई हूँ इसके बाद हम जाएंगे होटल पे और चेंज करेंगे एंड एवरीथिंग मैं क्या कह रही थी मैं ऐसी जगह पे ना डेट्स पे आऊँ सच अ पीसफुल कामिंग उसके लिए बंदा भी लगता है जानवी डेट पे आने के लिए मैं और मम्मा यहाँ बैठे हैं ऐसे पिकनिक फील आ रहा है मेरे को एकदम क्यूट डेट पिकनिक फील आई डोंट नो व्हाई यार मम्मी ने ये डाल दिया ताकि मक्खियाँ ना लगे आज ना मैं अलग ही नशे में हूँ ऐसा लग रहा है पता नहीं व्हाट एम आई अप टू गाइस सुबह से ही है ना सुबह से ही हाँ, सुबह से गाइस दैट्स हाउ माय मॉम सेज आई एम फीलिंग लो और यहाँ पे मैं और मम्मी खेल रहे हैं लूडो और मम्मी चश्मे लगा के चश्मा लगा लो नहीं तो लूडो की ये फिर जीत जाएगी मैं सही बात है चलो आपकी बारी हमारे भी तो ऐड ही आ रही थी और ये लोग आ गए सॉरी मम्मी हम नहीं खेल सकते नहीं मुझे खेलना है गाड़ी में खेलेंगे बेटा बेटा गाड़ी में खेलेंगे चलो ऐसा नहीं करते मम्मी सो सैड दैट दीस पीपल आर हियर चलो चलो मम्मी नहीं
वी आर एट ओपन हाउस, काफी अच्छी वाइब है, इट्स ऑल व्हाइट एंड ब्लू. ऑफ कोर्स वी हैव सम पनीर रोटी एंड ये दाल चावल बिकॉज ऑफ दीज. हेलो, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है और दीदी ने मेरी कुर्ती पहन ली है विच आई वाज सपोज टू वेयर टुमारो फॉर माय एयरपोर्ट बट बिकॉज वी आर इन ब्लू सिटी शी नीड्स टू वेयर दिस. सो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाओ. इट्स ओके, नाउ वी विल बी गोइंग आउट. हम वापस जाएंगे त्रिपोलिया मार्केट. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट प्लान योर आउटफिट. नीचे व्हाइट और दुपट्टा ऑफ व्हाइट. And we are here at the clock tower. Looks very beautiful. है ना मम्मा, कैसा है? बहुत सुंदर लग रही है. Bye. 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 Love you. Bye. Bye. So we were at the clock tower and now we are leaving for Tripola market and we met Princy, such a cute subscriber. Very cute. I'll remember her. Even I remember her. Loved meeting her. गाइस, राजस्थान आते ही फुल महारानी फील. ओह माय गॉड, आई फील लाइक अ बहू फ्रॉम अ एकता कपूर सीरियल हु इज जस्ट न्यूली मैरिड. गाइस द मार्केट इज सुपर क्यूट. यस, इट्स एक्चुअली विद ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा. यस गाइस, ये आप देख रहे हो, ये नीला पड़ गया क्योंकि मैं चढ़ गई इसके पांव पे. मम्मी रेड लिपस्टिक के साथ, रेड ब्लाउज के साथ एकदम हॉट लगोगी. मैं और दीदी यहीं खड़े हैं क्योंकि मम्मी वहाँ बार्गेन कर रही है. कान में जाके बोला, एक्चुअली सबको पता चल गया कि हम यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं. मम्मी बेइज्जती मत कराना, इतना ही कम कराना जितना अच्छा लगे. और तुझे इतना वट मारने की क्या जरूरत है, अब ये लोग प्राइस कम नहीं करेंगे. और हमने शॉपिंग कर ली है, कैसी थी? आई फील काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. अलग अलग शॉपिंग, हाँ, हर सिटी में शॉपिंग करने की अलग मजा होती है एंड इट वॉज फन. अब हम जा रहे हैं वापस होटल, वहाँ पे जाके हम डिनर करेंगे. Did we have ordered some red thai curry. Hello, good morning. It is the next day and main just abhi abhi uthi hu. Mamma didi subah uth gaye the. They went to shoot thoda sa stuff. Didi ne puri Rajasthani poshak pehni thi. Bahut sundar lag rahi thi. Main uthi thi to maine usse dekha tha. She was looking actually pretty. To abhi hum ja rahe hain breakfast karne. So mummy chale. Good morning. Good morning mamma. Chalo. डोसा जो इतना बिल्ली को दिया गया है यहाँ पे. यहाँ के हम खाने वाले हैं मिर्ची वड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है. लेट्स ट्राई इट आउट. सो दैट्स दी मिर्ची वड़ा जो आधा दीदी ऑलरेडी खा चुकी है. मम्मी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी ना. एंड आई एम ग्लैड मैं आई, नहीं तो मैं नहीं आने वाली थी. आई वॉज अबाउट टू गो टू स्टेम. बाद में चले जाएंगे, पहले थोड़ा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर लेते हैं. भैया मेकिंग अस ट्राई सम गुड मावा कचौरी. नेक्स्ट स्टॉप इज श्री मिश्रीलाल की लस्सी. ओके, नाउ इट्स टाइम टू ट्राई दी लस्सी. वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस. जितना भी सब कुछ ट्राई किया है उसमें ना मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज बैक इन आर होटल रूम. और अब हमने बहुत सारी सनस्क्रीन लगा ली है बिकॉज वी आर गोइंग इन द पूल. लेट्स गो. एंड मम्मी भी आ चुकी है. आजा 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 आजा. ओह माय गॉड, जितना मुझे पानी पसंद है उतना ही मम्मा डरती है. मैं पानी से बहुत डरती हूँ. Finally, I've decided to go back in my room and I feel so good. भाई मजा आ गया. I'm done with everything. Now we are going. मैंने ये cute, comfortable सा outfit पहन लिया है क्योंकि मेरे कपड़े दीदी ने पहन लिए थे कल. But anyways, let's go. दीदी actually checkout वगैरह करवा रही है और यहाँ पे हम जा रहे हैं. Bye bye. I'm going to miss you, Jodhpur. Checkout is done. अब हम चलते हैं घर. Hello, Jodhpur ना defense airport है तो मैं आपको सीधे मिलती हूँ दिल्ली में.
बाय बाय। एंड वी हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट। हम हमारे टाइम से 25 मिनट पहले आए हैं एंड हम खा रहे हैं आज के हैं एयरपोर्ट पे। एंड यहाँ पे मेरे मेंदू वड़ा भी आ चुके हैं। हेलो गाइस, आई डोंट नो हाउ कम वी आर लेट, बट वी आर लेट। हमें फोन आया है। मैंने सोचा मैं कॉफी ले लेते स्टारबक्स का। थैंक यू, हमने ऑर्डर भी किया नहीं किया। एंड द कॉल वाज ओनली फॉर जानवी तिवारी। मैंने तुम्हें फोन करके पूछा भी नहीं था। मैं पहुंच गया नहीं फ्लाइट पे बैठ चुके हैं। कुछ लास्ट लोग थे उनमें से हम थे जो फ्लाइट में आए। बंदा भूल भी रहा था हमारे साथ एक आध दो लोग थे। इसकी गलती नहीं है, तुम्हारी क्या गलती, टिकट तुमने भी किया था। तुम मेरा फोन डेड था जब हम ये बात कर रहे थे। डेड की बात, डेड बेड की, इसमें इससे ज्यादा। ओके गाइस, मिलते हैं सूरत पहुंच के। इससे बढ़िया आम ही आपकी बार चश्मा लगा के अपना टिकट। ठीक है, मैं ठीक है। अपनी जगह पापा का आधार कार्ड दिखा देती हैं। एंड हम सूरत पहुंच गए। Guys, I'm back in my room and I saw this on my bed and I'm pretty surprised. I got some flowers and a note from Yashvi. तो कल रात में उसको text किया था that I'm feeling low. Oh, this is so cute. This is actually very cute. And वो आई यहाँ पे like मैं नई थी और दादी बाबा को बोला उसने कि मैं ऊपर जाऊँ या जानवी के room में. Janvi is this close to crying. Oh, so cute.